बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किए हैं चैप्टर नंबर 1 के, और एफएससी के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं. और आज क्वेश्चन नंबर 7 हमने करना है. पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, इफ देयर आर एन नॉट इज इक्वल टू 6.02 इनटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स इन 4 ग्राम ऑफ हीलियम, व्हाट इज द मास ऑफ 1 हीलियम एटम. यानी कि इतने एटम की मास 4 ग्राम है, तो एक हीलियम एटम की मास हमने फाइंड करनी है. तो हम यूं सॉल्व करेंगे, मास ऑफ 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स इज इक्वल टू 4 ग्राम. अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है कि मास ऑफ 1 एटम व्हाट. तो हम यूं करेंगे कि इसको जाकर डिवाइड कर देंगे इधर, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा मास ऑफ 1 एटम विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 6.02 इनटू 10 रेज टू पावर 23. तो डिवाइड करेंगे 4 को, 4 डिवाइडेड बाय 6.02, ये हमारे पास आ जाएगा 0.66 इनटू 10 रेज टू पावर 23. पॉजिटिव है, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -23. और फिर हमारे पास होगा, अगर पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे इधर, तो 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस, हमने राइट को पॉइंट शिफ्ट किया है तो 1 मजीद माइनस कर लेंगे, -23 -1, तो इट विल बी इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम. ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया. यानी कि एक हीलियम एटम की जो मास होगी वो होगी 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूट द फॉलोइंग टू करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स. हमारे पास 4 इसके पार्ट्स हैं कि इन क्वांटिटीज को हमने करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक जो है वो कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है. और हमारे पास है जी, पहला 3.85 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.9 मीटर. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, और 3.85 मल्टीप्लाई बाय 3.9, तो हमारे पास आंसर आता है 15.015. अब ये आंसर आ रहा है, लेकिन हमने इसको करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेके जाना है. और करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब ये है कि हमारे पास आंसर में कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट आने चाहिए. अब यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ इस क्वांटिटी में 3 डिजिट हैं सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 2 हैं, तो हमारे आंसर में भी कम वाले आने चाहिए, यानी कि 2 आने चाहिए. तो हम इसको रिड्यूस करेंगे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक. तो हम राउंड ऑफ करेंगे, इसको उड़ाएंगे 5, 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 = 2, 2 5 से लेस है, फिर अगेन कुछ भी नहीं ऐड होगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 15 मीटर स्क्वायर. ये हमारा आंसर आएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे फाइनल आंसर में. अब हम पार्ट बी पे जाते हैं. पार्ट बी में हमने ऐड करना है 1023 kg प्लस 8.5489, और यहां पर भी हमने कम डिजिट लेके आने हैं, कम सिग्निफिकेंट डिजिट जो होंगे, यहां पे 4 हैं, यहां पे हमारे पास 5 हैं, तो हमारे फाइनल आंसर में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आने चाहिए. ऐड करेंगे हम इनको, 1023 प्लस 8.5489, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1031.5489. अब हमारे पास ये तो तकरीबन 8 डिजिट आ जाते हैं. हम अगर इनको राउंड अप करेंगे और 4 तक लेके आएंगे, रिड्यूस करेंगे, 9 है तो 1 ऐड हो जाएगा, फिर 9, और इधर 5 बन जाएगा, 5 को उड़ाएंगे, इधर 6 होगा, और 6 अगेन 5 से ग्रेटर है, उड़ाएंगे तो हमारे पास होगा 1032 किलोग्राम. दिस इज आवर आंसर. और हमारे फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 4 हैं, तो ये करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक आ जाएगा. अब 22/7 है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 22 डिवाइडेड बाय 7, तो ये रीअकरिंग है, ठीक है, ये चलता रहेगा 3.14 अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा हमारे पास, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डी, जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27 kg, 9.10 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg. यहाँ पर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल्स होते हैं उनमें ये होता है कि पावर को हम इंक्लूड नहीं करते. यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 3 हैं,
तो फाइनल आंसर में हमारे पास तीन सिग्निफिकेंट डिजिट आने चाहिए, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 1.67 डिवाइडेड बाय 9.10, इट विल बी इक्वल टू 0.183 इंटू 10 रेज टू पावर -27 + 31, इट विल बी इक्वल टू 0.183 इंटू 10 रेज टू पावर 4। हम अगर इसको कर लें यहाँ पे ले आए आप, तो हमारे पास आ जाएगा 1.83 इंटू 10 रेज टू पावर 4 किलोग्राम, इट विल बी आवर आंसर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखें तीन सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, यहाँ पे भी चार हैं, यहाँ पे दो हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आया होगा। और अगर यहाँ पे इनमें से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। हम यूँ करेंगे कि दोबारा आपके लिए वीडियो बनाएंगे, दोबारा आपको समझाएंगे, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद आपको समझाना है। आप घरों में ठहरे हुए हैं तो घरों में हम चाहते हैं कि आपका टाइम ज़ाया ना हो, आप अपने वक्त को पढ़ाई में इस्तेमाल करें।